हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती खमन ढोकला। एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी स्नैक है और बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है और मुझे बहुत पसंद है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखिए, इस खमन ढोकले के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इधर मैंने ले लिया है ऑलमोस्ट एक कटोरी बेसन। फाइन बेसन लें, क्योंकि जो जाड़ा बेसन होता है उससे ये अच्छा नहीं बनता है। अगर हो सके तो छान लें। इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है कटा हुआ हरा धनिया, कड़ी पत्ता, लंबी कटी हुई हरी मिर्च, ऐसे स्लिट की हुई है मैंने। यहाँ मैंने लिया है फ्रेश नींबू का जूस, ये है शक्कर, हल्दी, नमक, राई और इनो। यहाँ पे आप अनफ्लेवर्ड इनो लें, प्लेन बेसिक इनो जो होता है मार्केट में मिल जाता है, और तेल इसके टेम्परिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी केवल रंग लाने के लिए डाल रहे हैं हम यहाँ, तो ज़्यादा नहीं डालें। इसमें हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। और अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का जूस अभी डालेंगे, बाकी का टेम्परिंग में डालेंगे। सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं अगर आप नींबू नहीं यूज करना चाहते हैं तो, या नींबू नहीं है तो सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अब हम इसका एक बारीक एकदम यूनिफॉर्म बैटर तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैटर बन के रेडी हो गया है, एकदम स्मूथ है। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है और इसे हम अब साइड में रख देंगे। इसे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। इसे हम साइड में ऐसे रख देंगे, तब तक हम टेम्परिंग पे काम करेंगे, तड़के पे। तो एक पैन लिया है मैंने यहाँ, उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल जब गरम हो अच्छे से, तब उसमें हम राई डालेंगे। राई को अच्छे से तड़कने देंगे, उसके बाद ही बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। सबको फ्राई होने देंगे, जलाना नहीं है, हल्का ब्राउन होने देना है। तड़का हल्का हल्का फ्राई होने लगा है। अब हम इस टाइम पे कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो गया है, हरी मिर्च भी हल्की से फ्राई हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी को उबलने देंगे। जैसे ही पानी उबलेगा हम उसमें
नींबू का रस और शक्कर डाल देंगे और ये टेम्परिंग रेडी हो जाएगी। अब ये तड़का उबलने लगा है, पानी उबलने लगा है, इसमें मैं चीनी डाल दूंगी, शक्कर और नींबू का रस भी डाल दूंगी और इसे थोड़ा और पकने देंगे, 5 मिनट करीब और पकने देंगे और हमारा तड़का रेडी है। उसके बाद हम ढोकले की तैयारी करेंगे। हमारा तड़का बनके रेडी हो गया है तो हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम ढोकले के बैटर जो कि ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा था उस पर वापस आते हैं और इसमें हम मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन लिया है जिसमें एक बेस तैयार किया है और यहाँ एक छोटा सा मोटे बड़े एज वाला ऐसा वेसल लिया है जिसमें हम ढोकला तैयार करेंगे। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे पहले ग्रीस कर लेंगे, तेल लगा लेंगे अच्छे से ताकि ढोकला इस पर चिपके ना, चारों तरफ से लगाएंगे कॉर्नर्स अच्छे से ग्रीस कर देंगे। मैंने इस पर तेल लगा दिया है, ये रेडी है। एकदम लास्ट मोमेंट पे हम इसमें इनो डालेंगे। एक चम्मच इनो डालेंगे और जैसे ही आप इनो डालेंगे आप देखेंगे कि इसमें ये फ्लफी हो जाएगा थोड़ा। अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी और डालने की जरूरत है यहाँ। इस तरह से ये फूल जाएगा और अब ये बैटर इसमें पोर कर देंगे। और इसे स्टीम करने के लिए इस बेस के ऊपर रखें। इसे अब हम 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही स्टीम करने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फूल के अच्छे से रेडी हो गया है और मैंने ये चाकू डाल के भी चेक किया था, ये बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट है। तो इसे हम निकाल देंगे। इसे साइड से इस तरह से चाकू से इसे बर्तन से अलग कर देंगे। ये हमने 20 से 25 मिनट पकाया है। अब मैं इसे ये ढोकला परफेक्ट बन के तैयार हो गया है और अब हम इस पे हमारा तड़का लगाएंगे। पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये मॉइस्ट रहे, क्योंकि ये ढोकला गरम गरम तो सॉफ्ट रहता है पर जब ये ठंडा होने लगता है तो इसके ये सूखने लगता है,
इसीलिए इसमें पानी और नींबू डालने से ये अपने मॉइस्ट रहता है और टेस्ट अच्छा लगता है इसका। तो हम इस पे ये सारा तड़का डालते जाएंगे और ये सोख लेगा, क्योंकि देखिए कितना स्पॉन्जी है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी बना है। और इसे तड़का रख लगाने के बाद थोड़ी की देर इसे सोखने के लिए साइड में रख देंगे। अब देखिए ये खमन ढोकला बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। इसने पूरा अपना जो मैंने पानी डाला था तड़के का वो अच्छे से सोख लिया है। अब हम इसे कट करेंगे इक्वल साइज में। शार्प नाइफ लेंगे, अदरवाइज इसके पीसेस अच्छे से कटने में नहीं आ पाएंगे। तरीके से दूसरे साइड में भी कट कर देंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और नारियल किसा हुआ से इसे गार्निश कर देंगे। परफेक्ट ढोकला बना है, आप देख सकते हैं। अगर भाई आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा ढोकला बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।